नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और अभी हाल फिलहाल में गेट के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं दोनों सेशन का, फोरनून और आफ्टरनून के सेशन में। जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से क्वेश्चन आए हुए थे, बिकॉज इन माय लेक्चर सीरीज नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस, सो उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड फॉर योर कंसिडरेशन, दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विच वी हैव गॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट? तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद में भी ऐसे हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को बाद में सर्च करने में आसानी हो, ठीक है? यू कैन रिवाइज द PYQs, राइट? सो पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला था इवनिंग सेशन में, ठीक है, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जो आपका चैप्टर वन है उसके सारे कंसेप्ट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन जो था वो कुछ ऐसा था आपका कि द इन सीटू परसेंटेज ऑफ वाइड परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ अ डिपॉजिट इज 50%। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटीज डिटरमाइंड फ्रॉम दीज थिंग्स फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट आर गिवन, ठीक है, एंड 1.3 ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं आपको, ठीक है, और GS की वैल्यू दी गई है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम लोग IED भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें हाउ वी हैव टू प्रोसीड, बिफोर दैट वॉट वेयर अदर क्वेश्चन वी विल ऑल्सो डिस्कस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से, दोनों सेशन में मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले थे, एंड क्वेश्चन वेयर लाइक मॉडरेट, इन द मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रेंज ओनली, राइट? सो ये फोरनून सेशन में था आपका क्वेश्चन, फोरनून सेशन में था ये क्वेश्चन। इसमें ड्राई यूनिट वेट निकाला था और ये सारे डाटा आपको दिए हुए थे। एंड आफ्टर दैट एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था फोरनून सेशन में, ठीक है, फोरनून सेशन में ये क्वेश्चन था, मिला था आपको। और उसके बाद में देर वॉज वन स्टेटमेंट इन द फोरनून सेशन, जो कि अगर मैं इसके साथ में इसको इंक्लूड नहीं करूंगा तो नाइंसाफी होगी, ठीक है। सो स्टेटमेंट कई सारे थे बट विच इज रिलेटेड टू आवर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो उसी को मैं करेक्टराइज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्टली वॉट वी हैव टू डू, वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले यहाँ से थोड़ा मोमेंटम बनाते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने क्विज में, जो लोग मेरे साथ में लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, दोज हु आर वॉचिंग लाइव लेक्चर्स, दे कैन डू दिस क्वेश्चन इन लाइक जस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए सिंपली मैंने आपको जस्ट मॉक 3 कंडक्ट कराया था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने। सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, मॉइस्चर कंटेंट दिया है। मैंने आपसे क्लासेस में भी बोला था कि जब भी ये तीन चीज दिखें आपको, सो यू जस्ट हैव टू गेट दिस आइडिया कि यहाँ पे ES इज इक्वल्स टू WG तो लगने ही लगने वाला है, ठीक है। और मैंने आप यू कैन जस्ट वॉच माई लेक्चर्स, वहाँ पे डायरेक्टली मैंने एक कंसाइज फॉर्मूला बनाया था, इवन इन पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो आई हैव गिवन दिस। सो ES इज इक्वल्स टू WG। और उसके बाद में एक चीज और जो आपको पता करनी है वो है ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। गामा W की वैल्यू दी है और गामा D की वैल्यू पता करनी है। अब हमारे पास में दो ऑप्शंस है यहाँ से, अगर मान लीजिए किसी के पास में डाउट है तो आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, राइट? क्योंकि थोड़ा सा आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। सो मान लीजिए गामा D की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ठीक है। गामा D के लिए फॉर्मूला होता है, एक और मैंने आपको बताया था, गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। मैं अब जो लाइव से एक तरीके से सिचुएशन में क्वेश्चन आदमी जो सॉल्व किया होगा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गामा डी की गामा S डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो अगर आप को सारे फॉर्मूले याद थे तो कौन सा यूज करना है, ठीक है। मैं बहुत प्रो लोगों की बात नहीं कर रहा जिसको तुरंत ही देख गया कि यहाँ ये यूज होगा, विल प्रैक्टिस दिस यू विल गेट टू नो, बट आपको ये फॉर्मूले याद थे, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि गामा बल्क तो दिया नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, गामा S की बात नहीं हुई है यहाँ पे, राइट? सो वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, राइट? सो अब यहाँ पे क्या कहानी आती है, हमारे पास में ES इज इक्वल टू WG से हम क्या निकाल सकते हैं, E की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वॉइड रेशियो और गामा D दिया हुआ है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिख रहा है। वॉट इज दैट, गामा D इज इक्वल टू G गामा W, G की वैल्यू दी है गामा W की और E की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, ES इज इक्वल टू WG से, और वहां से हम लोग डायरेक्टली गामा W की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज लाइक आई वुड से वेरी सिंपल। यहाँ पे अब S की वैल्यू 75% दी गई है, ठीक है, इट मीन्स दैट द वैल्यू इज 0.75।
राइट। उसके बाद में W की वैल्यू कितनी दी गई है, 17% दी गई है, आई थिंक इट इज गिवन 17%। यस इट इज 17%। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ है 17%। सो ये आपका हो जाएगा कितना, दैट विल बी 0.17। और जी की वैल्यू इन्होंने दी है 2.68, राइट। तो ये वैल्यू दी है, तो सिंपली हम लोग ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी जब अप्लाई करेंगे, सो व्हाट द वैल्यू विल बी गेटिंग, ई इंटू एस की वैल्यू आपकी क्या है, 0.75 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की वैल्यू 0.17 है इंटू 2.68। सो व्हाट द वैल्यू विल बी गेटिंग, आई जस्ट कैलकुलेट दिस, 0.17 इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई 0.75, सो यू विल बी गेटिंग ई वैल्यू इज 0.607, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगला फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू नो। गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। और गामा डी के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कौन सा आपको यूज करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम, राइट, कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। सो गामा डी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, राइट। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, हम लोग 2.68 वैल्यू दी है जी की, गामा डब्ल्यू डायरेक्टली 10 देने को बोला है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते, 1+0.607। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट द वैल्यू विल बी गेटिंग डिवाइडेड बाई 1.607, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा गामा डी का एग्जैक्ट आंसर 16.677, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे किलोमीटर पर मीटर क्यूब में पूछा रहा होगा, सो यू दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर इंटीजर टाइप में पूछा था, आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि हम लोगों ने अभी पेपर नहीं देखा है, सो इंटीजर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इंटीजर में पूछा है, दशमलव के दो दस प्लेसेस तक पूछा हुआ है, तो 16.68 विल बी द आंसर, राइट। बल्कि रेंज देंगे, दे विल बी गिविंग द रेंज, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, जो कि फोरनून सेशन में आया था, एंड यू गाइस हैव टू कमेंट कि क्वेश्चन कैसा था, टफ था, इजी था, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। एंड दिस क्वेश्चन वॉज द इन सीटू परसेंटेज ऑफ वॉइड रेशियो, वॉइड ऑफ अ डिपॉजिट इज 50%, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटी इज डिटरमाइंड फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट आर 1.8 ग्राम, एंड दिस इज गिवन बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू पूछी गई है, दे हैव आस्क अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, राइट। सो अब रिलेटिव डेंसिटी एग्जैक्टली होता क्या है, दैट यू हैव टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप अप्रोच कर पाओगे। आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो अब जो है यहां से, अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे नहीं क्लियर है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम था, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ अ डिपॉजिट इज व्हाट वी हैव रिसीव, दैट आई एम जस्ट आंसरिंग, राइट। बट ये फॉर्मूला लगने वाला है, इन्होंने दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो दीज वैल्यूज आर गिवन राइट नाउ, सो वॉट यू हैव टू डू, ये मतलब रिलेटिव डेंसिटी में पूरा कंसेप्ट ही आप देख सकते हो। सो दे हैव गिवन गामा, जस्ट नाउ वी हैव टू डिस्कस इट, ठीक है। डेंसिटी इज डिटरमाइंड, मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिटी इज डिटरमाइंड फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट आर गिवन, 1.8 एंड 1.3। तो आप इसको देख लो, गामा डी मैक्सिमम इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड गामा डी मिनिमम आपको जो दिया हुआ है, दैट इज योर 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एकदम क्लियरली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको पता है गामा डी क्या होता है, गामा डी जब हम लोग मैक्सिमम लगाते हैं तो क्या आता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद में गामा डी जब मिनिमम हम लोग यूज करेंगे, सो विल बी राइटिंग जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E मैक्सिमम, राइट। सो दीज वैल्यू वी नीड टू टेक, ये बहुत इजी कैटेगरी में भी बोल सकते हैं इसको, इजी टू मॉडरेट मैं बोलूंगा, बिकॉज फॉर्मूला
फॉर्मूला और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना है अल्टीमेटली। तो जी की वैल्यू दी गई है आपको और ई के लिए इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली दी गई है, द इन सीटू परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ डिपॉजिट इज 50%। सो परसेंटेज ऑफ वॉइड दिया हुआ है तो आई थिंक दिस इज गिवन फॉर परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ ए डिपॉजिट, ई की वैल्यू जो है 0.50 दी गई, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ ए डिपॉजिट। बट मैं अभी पूरी श्योरिटी के साथ में नहीं बोलूंगा बिकॉज आई डू नॉट नो कि क्वेश्चन में क्या था एग्जैक्टली, आई हैव नॉट सीन, शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर बदल हो सकता है। ठीक है, तो इन सीटू दिया हुआ है, इन सीटू का मतलब पता है कि जब आपने डायरेक्टली सॉयल सैंपल को निकाला तो वॉइड का कितना परसेंटेज है सिंपली। सो इसके लिए अब आपको एक चीज देखना पड़ेगा, वॉइड्स ऑफ अ डिपॉजिट, तो इसका मतलब ये ई नहीं दिया हुआ है, द थिंग विच यू हैव टू नो, ये एन की वैल्यू दी गई है 50%। यहाँ पे बस यही कहानी आपको समझनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ऑफ अ डिपॉजिट इज 50%। परसेंटेज ऑफ वॉइड, परसेंटेज ऑफ वॉइड क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड आपका क्या होता है, वी वी बाई वी, टोटल वॉल्यूम के साथ में करोगे तभी परसेंटेज आएगा, ठीक है। सो दैट इज एन, लाइक दिस इज पोरोसिटी वैल्यू, ईटा दी गई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में घुमा फिरा के बजाने के चक्कर में ये लोग हैं सिंपली, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, ईटा की वैल्यू दी गई है पोरोसिटी 50%, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज बोला हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, की डिपॉजिट में कितना परसेंट वॉइड है, तो वो कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल डिपॉजिट वी है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया गया है। सो सिंपली यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये 50% क्या दिया हुआ है आपका, पोरोसिटी दिया हुआ, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई 1+ ई होता है, और एक और फॉर्मूला 1 - n इज इक्वल्स टू 1 - 1+ ई। तो अब जो भी आपको सूट करे वो लगा लो। तो ये फॉर्मूला सिंपली आप यूज करोगे इस पूरे मेथड में, बस दो फॉर्मूले यूज हुए, एक ये हो गया और एक आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, आई डी की वैल्यू क्या होती है, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कैलकुलेटिव था, और थोड़ा सा जिसने समझ लिया मतलब वो वाइड रेशियो था, बहुत सारे लोग, आई नो मेनी पीपल सेड टू मी कि सर ये वाइड रेशियो मैं करके आ गया, लाइक दिस जस्ट थिंक कि हाँ वाइड रेशियो, बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी बेसिकली, राइट। सो बस यही सब खेल होता है एग्जाम में। अब मैं यहाँ पे अभी लाइव आपके सामने देखा, सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो आप लोग जब एग्जाम के टाइम में होते हो ना, बाहर निकल के कोई कुछ भी बोल सकता है, बट एग्जाम के टाइम में यू जस्ट हैव टू थिंक एवरीथिंग, राइट, कि आपका जो पुराना कंसेप्ट जो पढ़ के गए हो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सिंपली, ठीक है। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए तो गेट में सिली मिस्टेक तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। तो आपका ये कहानी हो गया। सो इस कहानी के जो नायक हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये गामा डी और गामा डी मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी दी गई है, ठीक है। सो मैक्सिमम और मिनिमम डेंसिटी आपकी दी गई है, सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली फ्रॉम देयर, ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जब डेंसिटी होगी तो वॉइड रेशियो मिनिमम है, जब वॉइड कम होगा तभी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। जब बहुत ज्यादा वॉइड होगा तब डेंसिटी कैसे अच्छी होगी, तब तो लूज सॉइल हो जाएगी ना। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू कैलकुलेट 1+ ई मिनिमम, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट द वैल्यू विल बी गेटिंग, लेट मी जस्ट चेक इट हियर, ठीक है। जी की वैल्यू उन्होंने 2.7 दी है, जी की वैल्यू उन्होंने 2.7 दी है, तो 1+ ई मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू ग्राम पर सीसी में है तो 1 होता है, 1 ग्राम पर सीसी, याद रखना ये वैल्यू, ठीक है। गामा डब्ल्यू अगर ग्राम पर सीसी में तो 1 ग्राम पर सीसी, राइट, ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। जैसे अब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, अगर एमकेएस में बात करेंगे, सो वैसे यही हो गया, ठीक है। तो 2.7 × 1 / गामा डी मैक्सिमम कितना दिया है, 1.8 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको करोगे तो 1+ ई मिनिमम आपका आ जाएगा 2.7 / 1.8। क्वेश्चंस इजी थे, राइट, बट बस यही था कि उतने टाइम में सिली मिस्टेक कराने का इन्होंने पूरा कोशिश किया। तो ई मिनिमम जो है वो आपकी कितनी आ गई, 0.5 आ गई, ठीक है। एंड यू विल बी गेटिंग गामा, आप मिनिमम यूज करोगे तो मैक्सिमम निकलेगा,
तो यहाँ से हम 1 प्लस ई मैक्सिमम निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई गामा डी मिनिमम की आपकी वैल्यू कितनी होगी, दी गई है 1.3 ही दिया हुआ है ना, शायद 1.3 ही दिया हुआ है, आई थिंक यस 1.3 ही दिया हुआ है। तो कंसेप्ट जो बाद में अपियर होने वाले हो, जो लोग यू जस्ट नीड टू गेदर द कंसेप्ट राइट, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जब आप अभी अपने कंफर्ट जोन में मोबाइल के सामने मुझे देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, उतने टाइम का एटमॉस्फेयर अलग है, बट आपको किस एटमॉस्फेयर के लिए रेडी होना है जब आप गेट के लिए अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज वॉट द थिंग विल बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई मैक्सिमम हमारा आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 1.3, सो आपका आएगा 2.077, मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है। ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.077। अब आपके पास में ई मैक्सिमम है, ई मिनिमम है, और ई की वैल्यू आपको निकालनी है। ई की वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, ठीक है, ई की वैल्यू अब निकालने के लिए भी एक कहानी लगानी पड़ेगी आपको। वो कहानी, ईटा क्या दिया, 50%, मतलब 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। और आप यूज कर लो, 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। सो विद यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। सो 1 प्लस ई क्या हो जाएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 राइट। सो ये आपका ई की वैल्यू यहां से आनी चाहिए 1, ठीक है। ई की वैल्यू 1 आ गई, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, दिस इज लाइक जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग राइट नाउ। तो अब हमारे पास में वैल्यूज हैं, सो आई डी की वैल्यू है ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम राइट। तो अब ये कहानी बस कुछ नहीं है, ठीक है। ई मैक्सिमम कितना है, 1.077, माइनस ई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ई मैक्सिमम 1.077 माइनस स्मॉल ई की वैल्यू कितनी है आपकी, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी है, 1 आई है, और ये ई मिनिमम 0.55 आया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू जस्ट डू, ई मिनिमम की वैल्यू 0.5 आई हुई है, ठीक है। सो नाउ इट इज वेरी इजी राइट, कुछ भी करना नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो वील बी गेटिंग 0.077 डिवाइडेड बाई, एक मिनट इसको कर ही लेते हैं यार, 0.077 डिवाइडेड बाई 1.077 माइनस 0.5, 0.577। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आपका आईडी की वैल्यू जो है आएगी 0.1334, ठीक है। सो ये वैल्यू आएगी, और इसको परसेंटेज में नॉर्मली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, शायद क्वेश्चन में भी परसेंटेज में था। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13.34% आएगा आईडी की वैल्यू, ठीक है, इन परसेंटेज टर्म्स 13.34 आएगा। अब ये 13.34 जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, अब इसको अगर इंटीजर में पूछा गया था, ठीक है, तो 13 आएगा इसका आंसर, और अगर डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक पूछा गया था तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चंस जो थे, ये क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत टफ था, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ ई मैक्सिमम डायरेक्ट उन्होंने वैल्यूज नहीं दी थी, यू नीड टू कैलकुलेट। अब गामा डी मिनिमम के साथ में ई मिनिमम आएगा कि ई मैक्सिमम आएगा, ये आपने अगर प्रैक्टिस किया है, कंसेप्ट देखा है, तो आपको ये बहुत क्लियरिटी होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मजा आया होगा पेपर देने में, ठीक है, आई होप सभी लोगों को, ठीक है। सो ये जो आपका ये वाला आप देख लो, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम फोरनून सेशन, फोरनून सेशन में ये क्वेश्चन था आपके, तो फोरनून सेशन में पूछा था सॉइल फॉर्म बाय मैकेनिकल वेदरिंग इज सब राउंडेड, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है कि मैकेनिकल वेदरिंग, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, मैकेनिकल वेदरिंग कौन सा नया पहाड़ आ गया। अरे भाई मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब व्हेन वी आर यूजिंग मैकेनिकल फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्स कौन सी फोर्सेस होती हैं, फिजिकल फोर्सेस, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, आपको पता है, एंड इन माय लेक्चर्स आल्सो आई हैव कवर्ड दिस। फिजिकल वेदरिंग जो है
दिस इज ओनली द मैकेनिकल वेदरिंग, कोई अलग से ये कहानी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में एक और वेदरिंग पढ़ी थी हमने, केमिकल वेदरिंग। अब सोचो सॉयल के पार्ट में ये भी पूछ लिया गया, लोग तो ये छोड़ के जाते हैं, कोई पढ़ता भी नहीं सीरियसली। ये लेक्चर मैं अपना बताता हूँ, मेरे लेक्चर्स जो पढ़े हुए हैं उनमें बाकी में बहुत ज़्यादा वॉस्ट टाइम है उसके बाद के जो लेक्चर है, बट टिल दिस पॉइंट यहाँ तक ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पेडोजेनेसिस, उसमें बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है। आई डोंट नो वाई, बट ये कहानी है बेसिकली। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये गेट का एग्जाम है, यू कांट कंप्लेन द अथॉरिटी की क्यों पूछ लिया। तो ये क्या होता है आपका कि फिजिकल वेदरिंग में कैसी बनता है आपका सैंड होता है, और फिजिकल वेदरिंग में ये आपको पता है, ठीक है, यू नो दिस। और केमिकल वेदरिंग से आपका बनता है क्ले और सिल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल वेदरिंग में इस पॉइंट की, सो यहाँ पे क्या है, बट ये थोड़ा सा एडिशनल इन्होंने पूछ लिया था, लाइक एससी टाइप का थोड़ा सा। सैंड क्या होता है, सब राउंडेड होता है ऑब्वियसली, सो यू कैन जस्ट से दिस। और अगर कहानी किसी को और नहीं समझ में आई, तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि बेसिकली डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का ड्यू टू विंड फोर्सेस, ग्रेविटी फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडियल शेप बनती है ना, लाइक अगर मैं बात करूँ नेचुरली, हम लोगों ने बचपन में कंसेप्ट पढ़ा था कि जब कोई चीज़ कोई पॉइंट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहती है तो आप एक स्पेयर का वॉल्यूम लेती है, कुछ ऐसा कंसेप्ट याद होगा थोड़ा बहुत आप लोग को। सो लाइक दिस, व्हेन नेचुरली समथिंग विल बी देयर, तो मोस्ट अकरिंग शेप विल बी योर स्पेरिकल, और यू कैन से राउंडेड सब राउंडेड, ठीक है। और उसके बाद में ये स्टेटमेंट पक्का सही है, ठीक है, दिट शुड बी करेक्ट। उसके बाद में एक्टिविटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट डिस्क्राइब्स अबाउट सॉइल पोटेंशियल, सॉइल पोटेंशियल, सॉइल माने क्या होता है, स्वेलिंग, फूलना। ये आईपी क्या होता है, आईपी याद होगा आपको, WL-WP होता है, ठीक है। और आपका एक्टिविटी क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ था बट पहले न्यूमेरिकल में आया था, आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले। तो आईपी जो होता है वो स्वेलिंग पोटेंशियल बताता है सिंपली, कि जितना प्लास्टिक है सॉइल, ठीक है, प्लास्टिक लिक्विड लिमिट के बारे में ही हम पढ़ते हैं ना, WL-WP, तो कितना स्वेल कर सकती है सॉइल, कितना फूल सकती है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिसिटी एंड लिक्विड लिमिट। तो ऑब्वियसली एक्टिविटी जो होता है दैट इन्वॉल्व्स योर आईपी एंड इवन द परसेंटेज ऑफ क्ले, ठीक है। सो इस टर्मिनोलॉजी के वजह से बोथ स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक दिस, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट अगर था इसमें बोथ ए एंड बी करके, तो दोनों करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द लास्ट वन, कोई डाउट वगैरह है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो ऐसे करके हम ये सेशन लाते रहेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज आई थिंक उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोग को, ऐसे पूरा लंबा लेक्चर कोई नहीं देखता, राइट। सो ये स्वेल एक स्टेटमेंट था फोरनून सेशन में था बेसिकली, ये स्वेलिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट। अब ये जिसको बेसिक एप्टीट्यूड का नॉलेज है ना वो भी कर लेगा स्टेटमेंट। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है सिंपली, हिंदी में बोले तो सिकुड़ना, और स्वेलिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में बोले तो, जिसको नहीं समझ में आया, लाइक स्वेलिंग जिसको इंग्लिश आती है वो मैंने लिख दिया स्वेलिंग, श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ना, और स्वेलिंग का मतलब फूलना, ठीक है। तो सिंपली ये एप्टीट्यूड का मैं बोलूंगा क्वेश्चन है यार, स्वेलिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट। तो जैसे जैसे श्रिंकेज लिमिट बढ़ती जाएगी सॉइल की, मतलब श्रिंकेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो स्वेलिंग होने के चांसेस कम होते जाएंगे। सो दिस इज लाइक वेरी, दिस वाज वेरी इजी, ठीक है, डिक्रीजेस विद, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा था ना शुरू में, सो ही कैन जस्ट बाई कॉमन सेंस दे कैन ऑब्जर्व दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा अब ऐसे क्वेश्चंस इजी टफ में आप कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, जिसको वो कंसेप्ट क्लिक कर गया उसके लिए इजी टफ मॉडरेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसको नहीं क्लिक किया उसके लिए तो ये लगेगा ईएससी का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से जो अभी तक हमें क्वेश्चंस मिले वो ये सारे क्वेश्चंस थे। सो आई होप यू गाइस हैव गॉट द कंसेप्ट जो इसमें था, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग हमें बता सकते हो, और सॉइल मैकेनिक्स का पूरा टारगेट सॉइल जो है आपका लेक्चर इट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन आवर चैनल, लाइव सेशंस होते हैं इसके, ठीक है, लाइव सेशंस आपको
रेगुलर बेसिस पे रहता है, क्विज होता है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं आफ्टर कवरेज ऑफ ईच टॉपिक, और बाकी आप क्लास लेके देखोगे तो आप फिर बाहर नहीं जाओगे, मजा आ जाएगा आपको क्लास में, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। तो आई होप यू गाइज हैव परफॉर्म वेरी वेल। इसके बाद में हम लोग और टॉपिक वाइज जो है सोल्यूशन लाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। और इसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक का जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द कंटेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट फाइनली इफ यू हैव अपीयर्ड, राइट।